हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी वी व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने चाय बना लिया है, तो चाय नमकीन हम चाय पी लेंगे पहले नमकीन के साथ। और नहा धो के पूजा करके आ गए सुबह सुबह, तो आज गैस ख़त्म हो गई है। और गैस ख़त्म हो गई है आज सुबह सुबह, तो ये देखिए मम्मी यहाँ पराठा बना रही हैं, ईंटे का चूल्हा बना के, और उसी पे चाय और पराठा दोनों बना है। क्योंकि सब लोग जाने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा बन गया चूल्हे पे जल्दी, और गैस भर के आएगा तब बाकी का खाना बनेगा। तो यहाँ पराठा बना रही मम्मी, चाय बन गया, सारी तैयारी कर ली है, बस पराठा बनाना है। और चटनी के साथ, चाय के साथ सब लोग खा लेंगे जिसको जाना है। तो मम्मी यहाँ पराठा बना रही हैं, और अगर सुमुख आज होते तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते देख के कि अम्मा बना रही हैं, लेकिन बाबू है नहीं तो उसको उतना मज़ा नहीं आएगा। बताएंगे हम, लेकिन इतना मज़ा नहीं आएगा सुन के। वो चूल्हे पे खाना बन रहा है तो उसको बहुत खुशी होती, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इसी पे बनाओ। और वो ठंडक में जब भी बनता है तो वो बहुत शैतानी करता है और ख़ुद बनाने लगता है कि हमें बनाना है, उसको बहुत अच्छा लगता है। कहीं इधर लकड़ी जलाना, उठा के रखना, लकड़ी जलाना, सामान देखना कि कैसे बन रहा है, खुद निकालना, खुद बनाना। तो ये देखिए मम्मी का पराठा बेल के डाल दिया था, हो गया है, और इसको पलट दिया है। तो अब इसमें ऑयल लगाएंगे ऊपर से। ये देखिए यहाँ ऑयल लगा रही है, तो पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। और भर के आ जाता है सिलेंडर, लेकिन कभी कभी ख़त्म हो जाता है अचानक से, तो दिक्कत हो जाती है, फिर बनाना पड़ता है चूल्हे पे, और या फिर इंतज़ार करना पड़ता है सिलेंडर आने का, तो 2-3 घंटे बाद। बाकी तब तक सब जा चुके होते हैं जिसको जाना है, तो कहीं चाय या कुछ खाना थोड़ा बहुत मिल पाता है जो घर पे रहते हैं, बाकी जब आ जाता है तब बनता है। तो ये देखिए पराठा बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग को कैसा लगता है चूल्हे पे बना हुआ खाना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गांव में है तो जब सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो बनाना ही पड़ता है। ये देखिए पराठा बन के तैयार हो गया है, तो सबने खाया। और हम यहाँ पे चाय पी चुके थे, तो हम यहाँ साग साफ़ कर रहे हैं, किरमुआ का साग है, तो हम इसको साफ़ कर लेंगे। और मैंने इतना साफ़ किया है, और साफ़ करने के बाद इसको कट करके धो के रखेंगे बनने के लिए। तब तक साफ़ कर लेंगे, तब तक सिलेंडर आ जाएगा। तो ये देखिए इसमें बहुत सारी पत्तियाँ पीली हैं, कुछ ख़राब है, बहुत सारा इसमें मोटा मोटा सा डंठल है, तो वो सब हम निकाल देंगे। तो निकाल के कट करके और हमने धो के रख लिया। ये देखिए, तो हम यहाँ पे धो लिए हैं साफ़ पानी से। किरमुआ का साग हो या चना का साग हो, सरसों का साग हो या चौरैया का साग हो, बहुत अच्छा लगता है साग, बहुत पसंद है साग, बनता से बहुत प्यार से खाते हैं। तो वो खाना हमारा बन चुका था। और ये देखिए यहाँ मिट्टी पट रही है बाहर बाहर कमरे में। और ये देखिए आ गई थी 2 ट्राली, तो यहाँ पे बाहर, ये सबसे बाहर का कमरा है, तो यहाँ पे पाट दी है, मिट्टी डाल दी है। अभी इसको बराबर करना है, अच्छे से पानी डालना है, अब इसमें बहुत सारा काम करना है। और ये देखिए यहाँ बाहर बरामदे में जीने के पास भी मिट्टी पड़ी है, तो यहाँ भी बराबर कर दिया थोड़ा बहुत, और इसको अच्छे से बराबर करके फिर इसमें पानी डालेंगे, तब ये सही से बैठेगा नीचे। और आंगन में इधर बरामदे में, ये देखिए इस वाले भी कमरे में भी पड़ा है खाली था, तो यहाँ पे भी पड़ गया है। और ये देखिए हम सारे कपड़े धो के डाल दिए हैं बाहर, ये कल के कपड़े थे जो सूखे नहीं थे, और आज जो मैंने धोया वो सारे डाल दिए। तो यहाँ पे सारी रस्सियाँ भर गई हैं, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा हो जाता है। तो और ये देखिए मौसम कितना अच्छा है, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, ये देखिए बहुत ही सुहाना सा मौसम है, हल्की बदली है, हल्की सी धूप है,
तो हम यहाँ कपड़े डाल दिए हैं और अभी थोड़े से कपड़े बचे हैं। ये देखिए, ये बाबू और बिट्टू के हैं, तो ये हम अंदर डालेंगे। और ये देखिए, यहाँ बरामदे में मिट्टी पहले इसको डाला है और इसको डाल के अच्छे से बराबर कर दिया है। और ये है किचन में, तो यहाँ पे बराबर करके मिट्टी डाल के और पानी डाल दिया है। तो ये अभी गीला है, अभी इसको सूखने में 2 दिन लगेंगे क्योंकि भरा हुआ था पानी थोड़ा सा, तो उसको सूखने में टाइम लगेगा। और ये सब कपड़े पड़े हैं तो ये हम उतार लेंगे। और जो भी मैंने कपड़े धोए हैं पिट्टू के बाबू के, ये देखिए कितने सारे बनियान, टी शर्ट, ये सब कपड़े हैं, चड्डी, तो हम ये सारे कपड़े यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ हल्की हल्की धूप आया करती, हवा लगता है, तो सूख जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और पड़े भी रहेंगे बाहर से, तो बाहर उतारना पड़ता है रात में। तो हम यहाँ सारे कपड़े डाल दिए हैं और हम आ गए बाहर घूमने थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे रुकेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, हमने रिकॉर्ड किया है, ये बाहर का गार्डन है मंदिर के पास के, जो पेड़ वगैरह लगे हैं फूल के, तो ये सदाबहार का पेड़ है। और देखिए कितना सुंदर है, सुबह बारिश हुई है और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बूंदें गिर रही थी, तो अभी इसकी जो बूंदें हैं वो पत्तियों पर पड़ी हुई हैं, तो कितना सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो हरा भरा सा पेड़ बहुत अच्छा लगता है, मुझे गार्डनिंग बहुत ही सुंदर लगती है, मेरा तो मन करता है मैं वहाँ से हटूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मैं देखती हूँ थोड़ा सा हरा भरा है तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। और मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, तो अगर अच्छा लगा मेरा ब्लॉग तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।